स्पेशल पैकेज जो मुझे मिला जब मैं आया लौट के वापस अपने घर दुबई इंडिया ट्रिप के बाद में। तो आज इस वीडियो में करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट्स क्या है, पैकेज के अंदर क्या सरप्राइज है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे इसका ये रैप निकाल लेते हैं और इसको निकालने के लिए आई होप ओके। तो ये है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी S8 Plus, जो कलर है वो है मिडनाइट ब्लैक, यहाँ पे अंदर लिखा हुआ है। और ये एक ड्यूअल सिम फोन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बस ये है रिटेल पैकेज। जो प्रोसेसर इसके अंदर है वो कौन सा है यार, कहीं मेंशन नहीं किया है। आई होप कि शायद ये एक्सिनोस वर्जन होगा, वरना हो सकता है कि दूसरा भी हो। तो चलो श्रिंक रैप को निकालते हैं और देखते हैं कि बॉक्स कंटेंट्स क्या हैं। दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी S8 Plus का रिटेल बॉक्स जो कि दुबई में मिल रहा है। और पीछे यहाँ पे आपको मिलती हैं कुछ मेन हाइलाइट्स, आप पढ़ सकते हैं। 6.2 इंचेस का सुपर एमोलेड क्वालिटी डिस्प्ले, ड्यूअल पिक्सल 12MP कैमरा, 8MP ऑटो फोकस का फ्रंट कैमरा, उसके अलावा IP68, आईरिस स्कैनर, नॉक, 64GB मेमोरी, 4GB रैम वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन प्रोसेसर कौन सा है मैं भी डाउट कर रहा हूं। हालांकि जो कलर है वो आप देखते हैं यहाँ पे, ये है मिडनाइट ब्लैक। और इसके अलावा यहाँ पे ये है कुछ और ऑफर डिटेल्स जो कि आपको फोन में कुछ प्री इंस्टॉल्ड बंडल्स मिलते हैं होटल और फ्लाइट बुकिंग के, तो ये शायद इंडिया में नहीं होगा, वहां के लिए कुछ और ऑफर्स होंगे। और ये है कंप्लीट बॉक्स। बॉक्स को खोलते हैं तो बॉक्स के अंदर निकलता है एक और बॉक्स जो कि है कंप्लीट ब्लैक। इसकी सील को हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं और सील ब्रेक करेंगे तो इसके अंदर निकलना चाहिए ओके सैमसंग गैलेक्सी S8 Plus। तो ये दोस्तों कलर है ये है मिडनाइट ब्लैक। और इसको मैं रखता हूं एक बार साइड में, देखते हैं कि और क्या है बॉक्स कंटेंट्स। तो यहां पे आपको इसके अलावा कुछ पेपर वर्क मिल रहा है, और ये जो पेपर वर्क है इसके अलावा यहां पे एक सिम इजेक्टर टूल है और कुछ बेसिक गाइड्स, क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, फोन की बैटरी फट जाएगी तो क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये सारी दोस्तों इन्फॉर्मेशन है इसके साथ में। उसके अलावा यहाँ पे ये है USB Type-C टू माइक्रो USB के लिए एक छोटा सा अडैप्टर, और उसके अलावा है यहाँ पे एक OTG अडैप्टर जिसके थ्रू आप डेटा वगैरह को ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे फोन के थ्रू वगैरह, और उसके अलावा नॉर्मल OTG को भी प्लगइन कर सकते हैं। यहाँ पे है सैमसंग की तरफ से आने वाला अडैप्टिव फास्ट चार्जर, बिल्कुल सेम लास्ट ईयर की तरह बिना किसी चेंज के। उसके अलावा यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज है, और ये तो एक नॉर्मल USB Type-C केबल है इस फोन के लिए, लेकिन ये जो है दोस्तों ईयरफोन्स ये नॉर्मल ईयरफोन्स नहीं है, ये आते हैं AKG की तरफ से, और ये काफी एक अलग टाइप के ईयरफोन्स है जो कि सैमसंग ने इस बार यूज किए हैं। और यहाँ पे जो केबल है वो भी ब्रेडेड है, क्वालिटी काफी अच्छी लगती है, आई होप कि शायद सुनने में भी उतने ही अच्छे होंगे। तो ये हैं ईयरफोन्स। तो ये थे कंप्लीट कंटेंट्स इस बॉक्स के अंदर जो हमको मिले। और अब मैं आपसे बात करता हूं मेन फोन के बारे में जो कि है ये सैमसंग गैलेक्सी S8 Plus। काफी स्लीक है यार, एक हाथ में बड़े ही आराम से आ रहा है, जबकि इसका जो डिस्प्ले है वो 6.2 इंचेस का है, लेकिन जो एस्पेक्ट रेशियो है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए बड़े आराम से हाथ में फिट हो रहा है। और मैंने ब्लैक कलर चूज किया इस बार क्योंकि यहां पे आपको कंप्लीट ब्लैक मिलता है। फ्रेम जो है वो भी एकदम ग्लॉसी शाइनी ब्लैक है, तो दिखने में काफी अच्छा है। लेकिन ये बहुत ही खराब है यार, फिंगरप्रिंट स्कैनर वो यहां पे, तो उससे आपका जो है वो बार बार शायद आप कैमरा के ऊपर भी टच करेंगे कभी कभी। तो ये है इसका कंप्लीट डिजाइन। आप देखें तो फोन के नीचे आपको मिलता है एक हेडफोन जैक, USB Type-C केबल के लिए स्लॉट, और उसके आगे आपको मिलता है प्राइमरी माइक और स्पीकर्स। फोन का जो राइट हैंड वाला साइड है वो कंप्लीटली क्लीन है, सिर्फ आपको यहाँ पे पावर बटन मिलेगा। टॉप में आपको मिलता है एक सेकेंडरी माइक, उसके अलावा सिम कार्ड स्लॉट जो कि एक हाइब्रिड स्लॉट है, और उसके अलावा जो लेफ्ट है वहां पे आपको मिलता है एक बिक्सबी के लिए डेडिकेटेड बटन, और उसके अलावा नॉर्मल वॉल्यूम रॉकर्स। तो ये है कंप्लीट फोन। सामने आपको आयरिस स्कैनर वगैरह और मिल जाते हैं, कुछ और सेंसर्स वगैरह हैं। तो ये फोन का फ्रंट पार्ट है, और जल्दी से फोन को पावर ऑन करते हैं सबसे पहले। तो ये फर्स्ट इसका बूट है आपके लिए, और फोन जो है वो ऑन हो गया है सैमसंग गैलेक्सी S8। और देखते हैं कि फोन बूट होते में टाइम कितना लगाता है, तब तक उसके जो रैप्स है वो निकाल लेते हैं। तो ये एक रैप निकलेगा, और इसी तरह से जो पीछे वाला रैप है वो भी निकलेगा,
तो ये है कंप्लीट आपके सामने नेकेड, और डिस्प्ले कितना कमाल का है, एकदम गॉर्जियस स्क्रीन है यार, ऐसे राउंडेड एजेस के साथ में। और इसको मैं जल्दी जल्दी एक बार अभी स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सब कुछ स्किप कर करके इसको जल्दी से एकदम क्विकली सेट कर लिया है, और जो डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा कमाल का है, और फ़ोन जो है वो बहुत ही एकदम शानदार लग रहा है मेरे हिसाब से तो। और जो बटन है वो आपको वाइब्रेशन का एक फीडबैक देता है क्योंकि ये ऑन स्क्रीन बटन है, लेकिन आईफोन जितना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये पूरा फ़ोन आपको लगता है जैसे वाइब्रेट हो रहा है। और यहाँ पे आपको बिक्स भी मिलती है, नीचे रहेंगे तो आपको सभी ऐप्स मिलती हैं। उसके अलावा फॉर एग्जांपल जो कैमरा है, तो कैमरा का जो लेआउट है वो ओके, नेक्स्ट 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 ओके, तो ये मिलता है कुछ इस तरीके का दिखने में। और मैं आपको इसका एक डिटेल वीडियो बना के बाद में बताऊंगा फोन के बारे में और काफी डिटेल्स। ये सिर्फ एक क्विक अनबॉक्सिंग थी सैमसंग गैलेक्सी S8 की। आपके लिए आने वाली वीडियोस में और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं इस फोन के बारे में, जैसे कि फोन का गिव अवे, फोन का एक फुल रिव्यू, कंपेरिजन वगैरह वगैरह। तो आप उसके लिए बने रहिए, जुड़े रहिए।